वेलकम बैक टू गाइस निशी लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। देखिए गाइस, आज मैं निशी को कुछ चैलेंज देने वाली हूँ। देखते हैं क्या इसका माइंड कहाँ तक डेवलप हुआ है इसकी एज के हिसाब से। देखिए गाइस, अभी हम निशी से बोलते हैं कोई चीज़ उठाने के लिए, उसको राइट उठाती है या नहीं। सो स्टार्ट। निशु, अच्छा ये रही निशु। अभी गुस्से में हो रही है निशु। रोप उठा के लाओ वहाँ से, रोप उठा के लाओ। रोप कहाँ पे है? रोप उठा के लाओ मम्मा के पास। नहीं, अब इसको नहीं पता रोप के बारे में। नहीं, रोप लेके आओ। रोप लाओ। कहाँ पे है रोप? उठा के लाओ मम्मा के पास। वेरी गुड, पता आपको रोप तो भाई। मम्मा के पास लाओ, मम्मा को दो। वेरी गुड, अब झाड़ू लेके आओ। निशु झाड़ू कहाँ पे है? झाड़ू उठा के लाओ। वेरी गुड, निशु को पता है झाड़ू के बारे में भी भाई। ये रेगुलर की चीज़ है तो इसको थोड़ा माइंड में फिट हो गई है। निशु मम्मा की स्लीपर, मम्मा की चप्पल कहाँ पे है? मम्मा की चप्पल, अब ये कंफ्यूज होगी। मम्मा की चप्पल उठा के लाओ, मम्मा की चप्पल। वाओ, निशु को पता है मम्मा की चप्पल। और भैया की चप्पल कहाँ पे है? भैया की, निशु भैया की चप्पल, भैया की, निशु भैया की, निशु तनिष्क, निशु भैया की, भैया की कहाँ पे है? भैया की चप्पल। निशु को भैया में कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस, इसलिए वो भैया की चप्पल भी नहीं बताएगी। निशु को बस मम्मा में इंटरेस्ट है अपने। देखो मम्मा की चप्पल लेके आ रही है निशु। लाओ नीचे रखो, बाबू नीचे। नहीं, निशु बहुत अच्छी बच्ची है, ये मम्मा की हेल्प भी करती है थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि बेटियां तो मम्मा के बारे में सोच ही लेती है। बेटे नहीं सोचते, नहीं बेटे नहीं सोचते, पर बेटियां बहुत प्यारी होती है। छोटी सी है पर बहुत प्यारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।